मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को हाउएवर का यूज नहीं पता होगा कि हाउएवर अपने यूज कहां कहां दिखाता है और कैसे कैसे सिचुएशंस पे दिखाता है। हाउएवर अपना पहला रूप वहां दिखाता है जहां पे हम बोलते हैं लेकिन, फिर भी या फिर के बावजूद। लेकिन, फिर भी, के बावजूद, अगर ये तीनों में से कोई भी चीज अगर आप अपने सेंटेंस में लाते हो तो आप बेझिझक हाउएवर का यूज कर सकते हो। जैसे, वो वहां जाता है लेकिन यहां नहीं आता है। वो वहां जाता है लेकिन यहां नहीं आता है। वो वहां जाता है, he goes there, लेकिन however, आपको फुल स्टॉप लगाना है। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो, जैसे वो वहां जाता है उसके आगे फुल स्टॉप। however, क्वामा, यहां नहीं आता है, मतलब वो नहीं आता है। he doesn't come here, he goes there, however, he doesn't come here। हम गरीब हैं, फिर भी खुश हैं। we are poor, full stop, however, फिर भी, however, comma, we are happy, हम खुश हैं। हम गरीब हैं, फिर भी खुश हैं। we are poor, however, we are happy। मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं हूँ। I have money, full stop, however, comma, I'm not happy, I have money, मेरे पास पैसे हैं, मतलब मेरे पास पैसे होने के बावजूद। However, I'm not happy, मैं खुश नहीं हूँ। ये हो गया पहला use। अब देखते हैं दूसरा use, ये कहाँ बताता है, किस situation पे बताता है। जब हम अपने सेंटेंस में जैसा भी, जैसे भी या फिर जैसी भी ऐसे बोलते हैं, तब आप however का यूज वहां भी कर सकते हो। कितनी कमाल की बात है, आप इस जगह पे भी यूज कर सकते हो। जैसा भी चाहो वैसा ही करो, जैसा भी चाहो वैसा ही करो। however you want, comma, please do like this। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, however आपको पहले ही लगाना है। however you want, please do like this। जैसा भी चाहो, मतलब जैसा भी तुम्हें चाहिए आप वैसा कर सकते हो। however you want, please do like this। जैसा भी है वो तुम्हारा भाई है, बहुत बार हम बोलते हैं ना, जैसा भी है वो तुम्हारा भाई है। however he is your brother, however he is your brother। जैसा भी है, however he is, क्वामा, आपको क्वामा लगाना है और आप बोलते हो वो तुम्हारा भाई है, he is your brother। अब एक और देखते हैं, जैसी भी है वो अच्छी है, जैसी भी है वो अच्छी है। however she is, comma, she is good, however she is, comma, she is good, full stop। तो I hope आपको दो use अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा use देखते हैं, ये अपना तीसरा use कहाँ दिखाता है। तीसरा यूज ये वहां वापरने को बोलता है जहां पे आप बहुत बार ऐसे भी बोलते हो, जितना भी, जितने भी या फिर जितनी भी, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे जितना भी तुम्हें चाहिए उतना तुम ले सकते हो। बहुत बार शादियों में खाना खाते समय, खाना लेते समय आपको सामने वाले लोग बहुत बार ऐसे बोलते हैं, जितना भी तुम्हें चाहिए उतना तुम ले सकते हो। इधर भी आपको however पहले यूज करना है। जैसे however you want, फुल स्टॉप, यू कैन टेक, जिसका मतलब होता है तुम ले सकते हो, यू कैन टेक। however यू वॉन्ट, यू कैन टेक। जितने भी आपके पास आइसक्रीम हैं, कृपया मुझे दे दो। however यू हैव आइसक्रीम्स, बहुत ज्यादा होंगे ना, however यू हैव आइसक्रीम्स, फुल स्टॉप, प्लीज गिव इट टू मी। जब आप किसी को ऐसे बोलो ये मुझे दे दो, कृपया मुझे दे दो, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो प्लीज गिव इट टू मी, मतलब ये जो है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो। जितनी भी तुम मुझसे रेस लगा लो लेकिन जीत नहीं पाओगे। however you race with me, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे क्या बताना है, लेकिन, बट, यू विल नॉट
be able to win over me. You will not be able to win over me. जब आप किसी को ये बताते हो तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो will not be able to win over. Will not be able to, मतलब ये आप कर ही नहीं पाओगे, मुझ पे विजय हासिल नहीं कर पाओगे. You will not be able to, मतलब आप capable नहीं हो, आप इसके able नहीं हो. You will not be able to win over me. Over me, जिसका मतलब मुझ पे. ऐसे तो आई होप आपको तीनों यूज बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर ऐसी ही कमाल कमाल की वीडियो इंग्लिश से रिलेटेड चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सीखते रहो कुछ नया. लैंग्वेज सीखना भी बहुत आसान बात नहीं होती, लेकिन सीखते रहोगे तो एक दिन सीख ही जाओगे.